हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नशीम और आप देख रहे हैं टेक्निकल नशीम यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन, ईयरफोन या नेक बैंड आप अपने कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट कर सकते हो विदाउट ड्राइवर। कोई भी ब्लूटूथ ड्राइवर के बिना आप अपने कंप्यूटर के ऑडियो आप कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन, हेडफोन या नेक बैंड में कैसे सुन सकते हो, या कोई भी गाना कंप्यूटर से आप कैसे ब्लूटूथ ईयरफोन में प्ले कर सकते हो। तो आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, कंप्यूटर स्क्रीन में और मोबाइल स्क्रीन में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट करना है, क्या कुछ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं अपने मोबाइल स्क्रीन आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं मोबाइल में क्या क्या करके रखता हूँ। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपके मोबाइल में क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो मैं ब्लूटूथ में जाता हूँ सबसे पहले। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरा रियलमी बड्स वायरलेस है, ये मेरे फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। आपका जो ब्लूटूथ हेडफोन, ईयरफोन या नेकबैंड है, वो आपके फ़ोन के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। आपके फ़ोन के साथ पहले कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा रियलमी बड्स वायरलेस मेरे फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया। तो आपके जो कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा लीजिए या मोबाइल से हॉटस्पॉट के जरिए ट्रांसफ़र करके डाटा ले सकते हैं कंप्यूटर में। तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल में देखिए कि यहाँ पर पर्सनल हॉटस्पॉट मेरा ऑन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Realme 2 डिवाइस है। उसके बाद आप लोगों को मैं कंप्यूटर के स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि कौन से हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Realme 2 Pro इसी से कनेक्टेड है मेरा कंप्यूटर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि मेरा कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को सबसे पहले दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, एक है अपने मोबाइल के लिए और दूसरा है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो मैं दो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रोसेस पूरा देख लीजिए, एक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूसरा है मोबाइल एप्लीकेशन। तो आप लोगों को मैं दोनों एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है साउंड वायर सर्वर सेटअप 7, 8, 10। तो आप लोग विंडोज 7, 8, 10 में यूज़ कर सकते हो सेम सॉफ्टवेयर। तो आप लोग देख सकते हो यही वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल करना होगा आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये शॉर्टकट फाइल आएगी, ठीक है। ये जो साउंड वायर सर्वर है, ये शॉर्टकट फाइल आएगी। फाइल आने के बाद इसे आप लोगों को ओपन करना है डबल क्लिक करके, ठीक है। तो ये ओपन हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो सेटिंग्स है काफ़ी सारे, आप लोगों को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जो सर्वर एड्रेस है, ये आपका डिफ़ॉल्ट यही रहेगा। उसके बाद इनपुट सिलेक्ट, तो आप लोगों को यहाँ से कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट मल्टीमीडिया डिवाइस यही रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आउटपुट मास्टर वॉल्यूम है, ये आपको हाई कर देना है। तो हाई यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रहेगी, तो आपको हाई पे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेटस डिसकनेक्टेड, तो ये डिसकनेक्टेड दिखा रहा है। तो उसके बाद मैं चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन में, आप लोगों को दिखाता हूँ कि मोबाइल स्क्रीन में क्या करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड वायर फ्री। ये जो सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद एक पॉपअप मैसेज आएगी, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जो सर्वर है, इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन में यहाँ पर देखिए, जो सर्वर एड्रेस है 192.168.43.200, तो वो जो सर्वर एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ 192.168.43.200, यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद जो कीबोर्ड का जो टिक टिक सिंबल है, इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने टिक कर दिया। और आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर में देख सकते हो कि ये मेरा कनेक्ट हो गया है मोबाइल के साथ, ठीक है।
आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पर कनेक्टेड दिखा रहा है। तो एग्जांपल के लिए देखिए मेरा जो मोबाइल है आप लोग स्क्रीन देख सकते हो, ठीक है, मोबाइल का स्क्रीन और बैकग्राउंड में कोई भी म्यूज़िक एप्लीकेशन रन नहीं है, ठीक है, MP3 प्लेयर रन नहीं है, सिर्फ ये एप्लीकेशन रन है। तो मैं फ़ोन को रख दिया यहाँ पर और ये मेरा फ़ोन के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं कुछ MP3 यहाँ पर रखा हूँ, तो ये मैं MP3 प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये मेरा इस ब्लूटूथ नेकबैंड में प्ले होता है या नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं एक MP3 प्ले करता हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग सुन लीजिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें MP3 प्ले हो रहा है नहीं, तो एक नो कॉपीराइट सॉन्ग। तो देखिए मैं दूसरा MP3 प्ले कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये प्ले किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो लेवल शो हो रही है एप्लीकेशन में, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि MP3 चल रहा है नहीं। और आपका कोई भी, और फ्रेंड्स आपका कोई भी आउटपुट स्पीकर कनेक्टेड है, मतलब कोई भी स्पीकर कनेक्टेड है अपने जो CPU के साथ, तो उसे अनप्लग कर देना है, उसके बाद आप इसे प्ले कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो दोनों ऑडियो आपके जो स्पीकर है उसमें भी होगा और इस ब्लूटूथ डिवाइस में भी होगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया साउंड है। देखिए फिर से मैं एक गाना प्ले किया हूँ, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा दिया कि कोई भी ब्लूटूथ एडेप्टर के बिना आप अपने नेकबैंड, ब्लूटूथ ईयरफोन, हेडफोन आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में कैसे यूज़ कर सकते हो, वो भी वायरलेसली, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।